नमस्कार। रिश्ते वो नहीं जिसमें किसी की जीत हो या किसी की हार हो, रिश्ते इससे कहीं ऊपर है। रिश्ता वो है जिसमें आप सामने वाले को खुद से कहीं ज्यादा प्यार करें, सम्मान दें। लेकिन हमारी सलाह ये है, जो हमने अब तक सीखा ज्योतिष गुरु के साथ, कि कभी भी किसी भी दूसरे को प्यार जरूर कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आप अपने को इग्नोर करने लगे। खुद को प्यार करना भी उतना ही जरूरी है दूसरों को प्यार करने। तो समझना होता है जिंदगी में भावुकता के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। और आपके तारे हमें यही सिखाया था कि कैसे हम अपनी जिंदगी में तालमेल बिठाएं इन तमाम गुणों का अपने अंदर। तो आइए कुछ यही कोशिश आज भी। स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको समझना है जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी जीना भी एक कला है, एक आर्ट है। तो आइए इस आर्ट को सीखते हैं आज के लिए ज्योतिष गुरु से मेष और वृषभ। सबसे पहले आपके लिए मेष राशि वालों के ऊपर काम का दबाव भी है और पैसे का दबाव भी है। अपने मन में चिंताओं को बढ़ा लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रुकावटें बढ़ती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए समझ में? अपने आसपास परेशानियों को देखना छोड़ दें, जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें और एक आशावादी नजरिया अपना लें। अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया जा सकता है, क्या न करें समय में। छोटी छोटी बातों को लेकर विचारों के मतभेद में न पड़े, इसी वजह से किसी प्यार के रिश्ते को समझने में कोई गलती न करें। ऋषभ राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति संतोषजनक होने के बावजूद आप खुश नहीं हैं। आपको लग रहा है कि बहुत कुछ आपके हाथ से जैसे फिसलता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी लगन को बनाए रखने की जरूरत है। अपनी मेहनत के दम पर आप रिश्तों को भी संवार पाएंगे और थोड़ी सी कोशिश से ये संभव हो पाएगा। क्या न करें समय में? अपने व्यवहार से घर परिवार में अपनों को नाराज न करें। लोगों के प्रति आलोचनात्मक रवैया बनाते चले जाना भी ठीक नहीं। देखिए, ये जो बहुत आलोचनात्मक रवैया हम रखते हैं किसी के भी प्रति, वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। हमें समझना होता है कि कहाँ पर हम आलोचना में सीमा लांग रहे हैं, कहीं हम नेगेटिव नकारात्मक तो नहीं हो रहे हैं। सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने है मनदीप कुमार का। मनदीप कुमार 29/8/1993 4 बजे शाम को जन्म हुआ है, राजपुरा पटियाला। सवाल ज्योतिष गुरु इनका यह है कि 15 में इन्होंने बीटेक किया और उसके बाद से बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में इनको कोई जॉब नहीं मिल पा रही। सवाल ये कि बैंकिंग या इंजीनियरिंग बेहतर भविष्य किसमें? मनदीप, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है बुध की मई 2019 तक। 2015 में आपने इंजीनियरिंग की और तब से बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी में जुटे हुए हैं। और आपने पूछा कि कौन सा सही फील्ड होगा, क्या बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए, क्या आपने इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े रहना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि इसी से आपकी ज़िंदगी का भविष्य निर्धारित होता है। आपकी कुंडली का इशारा यह है कि आपको अपने फील्ड से जुड़े रहना चाहिए, और समस्या यह है कि उस दिशा में आप कोई शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी जॉब मिल जाती कॉलेज के बाद तो आगे करियर बन जाता, तो कोशिश वो करनी पड़ेगी। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से अब से 1.5 साल के बाद आपका करियर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो जो भी कमियां हैं उस दिशा में उन्हें पूरा कर लीजिए। कोई कोर्स करना है तो भी कर लीजिए, ताकि इस इशारे को समझा जा सके। अब से 1.5 साल बाद आपकी ही फील्ड में, यानी इंजीनियरिंग फील्ड में आपका करियर बन सकता है। आपको यही ही करना है, यही करना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो इस फील्ड में तैयारी में, तो सारा ध्यान उस तरफ लगा दीजिए, क्योंकि 1.5 साल बाद आपका भविष्य बन रहा है इंजीनियरिंग फील्ड। मिथुन और कर्क राशि, आज हम ऐसा क्या करें जो हमारा भविष्य बने? ये एक सवाल हमारे सामने होता है, हर रोज होता है। हम कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना करके आगे बढ़े, कहीं मन में ये बात रहती है कि ये सही है या कुछ गड़बड़। तो आइए इस शक की गुंजाइश को खत्म कर देते हैं। आपको बताते हैं राशिफल के बाद आप क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए लोगों की नाराजगी आपके मन को दुखी कर सकती है और आपकी कही हुई बात लोगों को नाराज कर सकती है। इस उलझन का छोर किस ओर से पकड़े ये समझ में नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार के सुख को संभालना ही पड़ेगा। रिश्तों को अहमियत देने की कोशिश करें, आपकी खुशियां लौट आएंगी। दूरियों को नजदीकियों में तब्दील किया जा सकता है। क्या न करें समय में? अपनी परेशानियों का असर किसी प्यार के रिश्ते पर बिल्कुल ना आने दें। अगर मन में भरोसा कम होता चला जा रहा है, तो भी रिश्तों को समझने में कोई कमी ना रखें। कर्क राशि वाले समझ लें कि रिश्तों के प्रति अविश्वास बना रहेगा तो नुकसान आपका ही होगा।
ऐसे में कोई प्यार का रिश्ता भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने नजरिए को बदलने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह में? अपने आसपास बिखरी हुई अच्छाई से प्रेरणा लेनी होगी ताकि आप भी कुछ अच्छा कर सकें। थोड़ी सी कोशिश से आपकी मेहनत कारगर हो जाए तो क्या कहना। क्या ना करें इस समय में? किसी यात्रा या बदलाव के विचार में लोगों से दूरियां ना बनाएं। कुछ भी ऐसा ना होने दें जिसके चलते आपका पैसा कहीं फंस जाए। तो कोशिश ये रहे कि आपका पैसा कहीं फंसने ना पाए, यही सबसे जरूरी है इस समय आपके लिए। और हमारे लिए जरूरी है अगली राशि के बारे में जानना, और राशि है सिंह और कन्या। सिंह राशि वाले निजी जीवन की प्राथमिकता को समझेंगे तभी अपनों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। कई तरह की परेशानियां बातचीत के माध्यम से भी सुलझाई जा सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में स्थिरता बने रहना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तकदीर भी आपका साथ दे जाए तो काम को आगे बढ़ाना और भी आसान हो जाएगा, और हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती ना करें। ऐसे हालात ना बनने दें कि आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए और आपको पता भी ना चले। कन्या राशि वालों की उलझन बढ़ती चली जा रही है अपने दोस्तों से, जिसके चलते आप बहुत हद तक परेशान भी हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आप सिर्फ अपने ही हित का सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत से ही अपनी परेशानियों को संभाला जा सकेगा और तभी तकदीर भी आपका पूरा साथ निभाएगी। एक से दूसरी चीज सुंदर तरीके से जुड़ी हुई है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की स्थिति को संभाले रखने में लोगों की भूमिका को कम ना समझें। अपनों से अच्छी मिलती हुई सलाह को भी नजरअंदाज न करें। बदलाव का कोई फैसला करके अपने लिए परेशानियां न बटोरें। कभी कभी बदलाव चीजों को सुधारता नहीं है, परेशानियों को न्योता दे देता है। आज का दिन आपके लिए भी बदलाव के लिहाज से ऐसा ही हो सकता है, बदलाव से बचिए। फिलहाल हमें सवाल लेना है, ध्रुव शर्मा आपका सवाल हमारे सामने है। 7 मई 2006 5:10 इनका शाम को जन्म हुआ है, गाजियाबाद। अच्छा, ये परिवार ने सवाल पूछा है, इनकी तरफ से डी शर्मा जी ने पूछा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब भी घर वाले समझाते हैं बात नहीं मानते, कोई बाहर वाला कुछ समझाता है तो इनकी समझ में आ जाता है, तो क्या करेगा आगे? बहुत ज़्यादा परेशान है इसके करियर को लेकर, पढ़ाई में कैसे मन लगे, क्या होगा इनका? आपने अपने बेटे ध्रुव के बारे में पूछा जी। ध्रुव की कुंडली है तुला, लगन की और सिंह राशि। इसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतरदशा चल रही है बुध की नवंबर 2018 तक। 11 साल का बच्चा है और पेरेंट्स होने के नाते आप इतना ज़्यादा परेशान हैं उससे कि पढ़ता नहीं, बात नहीं सुनता। आप इतने परेशान हैं कि जैसे कैरियर बनने का समय हाथ से निकलता चला जा रहा है और पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, बच्चे से उसका बचपन मत छीनिए, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। 11 साल के बच्चे को खेलने भी दीजिए, उसे अपनी रफ्तार से ज़िंदगी में आगे बढ़ने दीजिए, और इतना दबाव मत डालिए कि उसका बचपन कहीं पीछे छूट जाए, ये ठीक नहीं होगा। आगे चल के जब पढ़ाई का समय अच्छा बनेगा तो वो पढ़ाई भी कर लेगा, और 2021 से वो अच्छाई भी आपको नज़र में आ जाएगी, इसलिए परेशान मत हो। कभी कभी हमें चिंता अपने लिए करनी चाहिए, हम ही ज़रूरत से ज़्यादा अपनी अपेक्षाओं का बोझ लादने लगते हैं अपने बच्चों पर, इतना कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बचपन भी नहीं जी पाता है। शायद आपसे ऐसा ही हो रहा है। 2021 उनका पढ़ाई में मन लगेगा, वो बच्चा है, उसको उसी लिहाज से ट्रीट कीजिए। अपनी अपेक्षाओं, अपनी संभावनाओं को उस पर इतना मत ला दिए कि वो परेशान हो जाए, समझिएगा। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए क्या है आपका राशिफल और क्या है टिप्स, यानी क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों की अगर लगन काम के प्रति कम हो जाएगी तो अच्छी भली स्थिति भी बिगड़ती चली जाएगी, इसलिए अपने हालात को सुख के नजरिए से देखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। हालात हर रूप से आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत पर एक नज़र रखने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हुए खर्चों को या बढ़ते हुए नुकसान को समय रहते थाम लेना होगा। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। अपने मन के असंतोष को बढ़ाकर ऐसा फैसला करना ठीक नहीं होगा, इसलिए अपने हित को पहचानने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। वृश्चिक राशि वाले अपने अंदर भरोसा जगाएंगे तभी मेहनत कर पाएंगे। हालात आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। अपने दम पर सफलता पा लेने में जो सुख है वो किसी और चीज में नहीं है।
क्या करना चाहिए इस समय? पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है और दूर स्थान से भी लाभ का योग बना हुआ है। ऐसे में काम के प्रति अपना ध्यान बनाए रखने की जरूरत होगी। क्या ना करें इस समय में, रोजमर्रा की चुनौतियों को अपने ऊपर इतना ना हावी कर ले कि वो बड़ी परेशानी बन जाए। अपने कामकाज से अपना मन इतना भी ना हटा ले कि उस लगन को वापस लाना मुश्किल हो जाए। तो अगर कामकाज में आपकी लगन कमजोर यूं ही पड़ती जाएगी तो वापस कामकाज के प्रति लगन को लाना या लगन पैदा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। धनु और मकर, अब आपके लिए क्या मुश्किल है क्या आसान, आइए उससे पहले जान लेते हैं आपका राशिफल। मुश्किल को तो हम आसान करेंगे आपको बताकर कि आप क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वालों की बढ़ती हुई जरूरतें और बढ़ते हुए खर्चे कुछ ऐसे हैं जिन्हें थामना होगा। सही योजना बनाने की जरूरत हर कदम पर पड़ती है, आपको भी इस बात को याद रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज की स्थिति ठीक है और उसमें आपकी पढ़ाई और मेहनत लगी हुई है, इसी के चलते आपका भविष्य बन जाए ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में, लोगों की सलाह समर्थन और सहयोग को कम ना समझें, ये आपके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसमें कोई गलती निकाल लेना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वाले सिर्फ अपनी बात लोगों पे थोपने की कोशिश न करें, लोगों की बात भी सुन लें और विनम्रता से समझने की कोशिश कर लें, तभी जाकर तालमेल बेहतर हो पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज से लाभ सुनिश्चित है और हालात मददगार हैं, यहाँ तक कि आपका बेहतर होता हुआ प्रदर्शन भी आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद ही करेगा। व्यर्थ में पैसा जुटाकर अपने खर्चों को बढ़ने ना दें, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आपके पास है वो भी पर्याप्त है। इस अच्छी भली स्थिति में कोई फेर बदल ना करें। इस समय जो कुछ आपके पास होना चाहिए सब कुछ है, इसलिए इस परिस्थिति में बिना वजह बदलाव करने की कोई कोशिश मत कीजिए। तो कुंभ और मीन राशि, आप देख रहे हैं आपके तारे और हम बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो आपके बारे में सबसे पहले आपका राशिफल जानेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप क्या करें आज और क्या ना करें आज। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको और ज्यादा समर्पित होना होगा। कई चीजों को लेकर मन उचाट रहे ऐसा हो सकता है, फिर भी काम को प्राथमिकता तो देनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, जिंदगी की चुनौतियों को एक एक करके ही संभाला जा सकेगा और उसमें आपकी लगन ही आपका योगदान दिखाएगी। अपने दम पर यह सब कुछ करना तो पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में, अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी भी वजह से कमी ना आने दें, खासकर रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का असर अपनी पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ना पड़ने दें। मीन राशि वालों के हालात मददगार हैं और आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। लोगों के प्रति समर्पित रहने से ही रिश्तों से जुड़ी कमियों को संभाला जा सकेगा। क्या करना चाहिए इस समय में, कोई विकल्प आपको बहुत अच्छा लग सकता है पर उसका फल मध्यम सा रहे ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हर बात को ध्यानपूर्वक तो समझना ही पड़ेगा। किसी भी नए विकल्प को लेकर उत्तेजित हो जाने से तो बचना होगा। क्या न करें इस समय में, लोगों को नाराज करके घर परिवार की खुशियों को कम ना होने दें, वैसे भी ये गलती भरा समय है इसलिए अपनी ओर से कोई ऐसी गलती ना करें जो आगे चलकर महंगी साबित हो। ऐसी कोई गलती जिसे बाद में रेक्टिफाई ना किया जा सके, सुधारा ना जा सके, बचिएगा ऐसी गलती से। रिश्तों में दूसरे की कदर अपने से ज्यादा करनी चाहिए, टूट कर प्यार करना चाहिए, लेकिन अपने को भी प्यार करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने खुद को प्यार नहीं किया आप किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, कल इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।